नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्री कोचिंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो क्लास होगी भारत के मुख्य बैंक एवं उनकी स्थापना। कौन कृषि बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई, आवास बैंक कौन सा है, उसकी स्थापना कब हुई, इन सब के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण रूप से पहला मुख्य भारतीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है आपके सामने भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है आपके सामने आईसीआई बैंक और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पूर्ण रूप से जो हमारा पहला मुख्य भारतीय बैंक था है वो है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1860 ईस्वी, ऑप्शन बी 1894 ईस्वी, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी एंड ऑप्शन डी है आपका 2010 ईस्वी में। तो बताइए फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1894 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है तीसरा, भारत की सबसे पुरानी एवं बड़ी बैंक कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है आपके सामने आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी है आपके सामने सहकारी बैंक एंड ऑप्शन डी है आपके सामने एसबीआई बैंक। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी एवं बड़ी बैंक है हमारा एसबीआई, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों, प्रथम बैंक कौन सी है जिसने अपनी शाखा विदेश में स्थापित की, लंदन में। वह प्रथम बैंक कौन सी है जिसने अपनी शाखा विदेश यानी कि लंदन में स्थापित की। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। जो हमारी प्रथम बैंक है, जो पहली बैंक है जिसने अपनी शाखा विदेश में स्थापित की, वो है हमारी बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई। दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने 14 नवंबर 2013 को, 14 नवंबर 2019 में या 14 दिसंबर 2015 में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 14 नवंबर 2013 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयात एवं निर्यात बैंक जिसे एक्सिम बैंक कहते हैं की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी आपके सामने 1985 ईस्वी में एंड ऑप्शन सी आपके सामने 1857 ईस्वी में और ऑप्शन डी आपके सामने 1997 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा 1982 ईस्वी में। जो आयात निर्यात बैंक है उसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है आपके सामने 1 अप्रैल 1930, दूसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 1935, 2 फरवरी 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। आगे है फ्रेंड्स, भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। ऑप्शन है LIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या ओरिएंटल सोसाइटी या फिर डी है आपके सामने ऑप्शन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों, जो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी वो है ओरिएंटल सोसाइटी, ये भारत की सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी है। दोस्तों, आगे है हमारा नवा क्वेश्चन, LIC की स्थापना कब की गई, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन है आपके सामने ए 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी आपके सामने 2 सितंबर 1957 एंड ऑप्शन सी आपके सामने 15 जनवरी 1960 ईस्वी और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने 12 फरवरी 1990 ईस्वी। तो दोस्तों, LIC की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 में। और दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने वही है 1965 ईस्वी, 1972 ईस्वी या 1988 ईस्वी और डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन आपका 1995 ईस्वी। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1988 ईस्वी में। हमारी राष्ट्रीय आवास बैंक है उसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, ये मैंने
ऐसे इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन छाट कर आपके सामने लिखे हैं जो किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, JRF की हो, SRF की हो या PHU की हो, किसी भी परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं मोस्ट क्वेश्चन ही आपके सामने लाता हूँ। हर क्लास मेरी 10 क्वेश्चन की होती है।